बाकी जो कलर है वो भी बाकी है। हमारी तो जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। ग्रोसरी लेने के लिए स्टोर पे। एक पहले हम सबसे पहले गए राजमंदिर, उसके बाद हम गए बीकेडी, क्योंकि राजमंदिर में भी कुछ लेना था। ज्यादातर सामान हमने राजमंदिर से ही लिया है। कुछ कुछ आइटम था जो हमें बीकेडी जाना पड़ा और नियर बाय अगल बगल में ही था। जो जैसा कि आपने एक शॉर्ट वीडियो देख लिया होगा, मैंने अपलोड कर दिया है। तो क्योंकि होली आ रहा है, होली की बहुत सारी प्रिपरेशन करनी थी, इस वजह से हमने ग्रोसरी आइटम लिया। कुछ हमने गुलाल ले लिए, तो गुलाल वगैरह ले लिया है। और बाकी जो कलर है वो भी बाकी है। हमारी तो जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपका जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत जल्दी, आई थिंक आज 3 मार्च है और 8 मार्च को ही होली है, तो टाइम भी नहीं है। तो इस वजह से हमने सोचा चलो जल्दी से जो ग्रोसरी आइटम है और जो होली की प्रिपरेशन है वो सब ले आते हैं। पीछे साइड का थोड़ा सा जीप लग रहा है, उसको थोड़ा हटा के आती हूँ पहले। तो होली की वजह से ना जो सामान है वो 2 कट्टे में आया। एक तो हमने जो लिया था बीकेडी वो, और दूसरा हमारा राज मंदिर का भी है। तो घर का भी आइटम था और थोड़ा बहुत होली का भी था। तो अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं और आज मैं पूरे दिन काम में बिजी थी, इस वजह से मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट ही नहीं कर पाई। बहुत ज्यादा काम में बिजी हो गई थी, क्योंकि ऐसा है कि विंटर जा रहा है, तो मैंने बहुत सारे जो मेरे वुलन के क्लोथ थे, वुलन कपड़े थे, वो मैंने रख दिया है। तो इस वजह से आज मैं उसमें बिजी थी, इस वजह से मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था। अब मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, इस वजह से मैं अब ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने। तो पहले मैं निकाल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो जो आपने शॉर्ट वीडियो देखा होगा उसमें देखा होगा कि हम लोग शॉपिंग करने गए थे। ग्रोसरी आइटम का ही शॉपिंग था और ऐसा कुछ नहीं था, बट एक दो आइटम था जो होली की वजह से इंक्रीज हो गया था। तो कलर तो आप लोगों ने देख लिया, बाकी और भी चीज़ें हैं जो आपको हमारे आने वाले ब्लॉग में पता चलेगा। तो बस मैं यहाँ पे जितने भी ग्रोसरी आइटम लेके आई थी, अभी शाम के 7:30 बज रहे थे। और सबसे बड़ा काम होता है इनको अपने अपने जगह पर एडजस्ट करना। तो यहाँ पे मैं अब वही निकाल निकाल के छांट रही हूँ कि कौन से फ्रिज में रखने हैं और कौन से भगवान के पास लेके जाने मंदिर में, क्योंकि जो मेरे हाथ में है ये सारे बहुत सारे धूप थे, तो इनको मैं अलग कर रही थी कि धूप वगैरह अलग रख लेती हूँ, बाकी जो किचन का सामान होगा वो अलग रखूँगी। सारा जो सामान था, ग्रोसरी आइटम था, वो सारे अपने अपने जगह पे रख दिया है। और अब बस मैं वेट कर रही हूँ हस्बैंड के लिए, क्योंकि अभी वो आए नहीं है, जब वो आएंगे तभी खाना जो है वो खाना बनाऊंगी। तो आज मैं खाने में फिश बना रही हूँ, और इस फिश को क्या बोलते हैं मुझे इसका नाम नहीं पता, बट मुझे बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगता है ये। तो इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर दिया है, और धो के इसमें मैरिनेट करने का मैं नहीं दिखा पाई, क्योंकि उस टाइम मेरा फ़ोन डेड था। तो मैं जितना परसेंटेज था चार्ज, उतने में ही मैंने जल्दी जल्दी करना स्टार्ट किया। उसके बाद जब तक फ्राई हुआ तब तक मैंने अपने फ़ोन को अच्छे से चार्ज किया है, और फिर मैंने स्टार्ट कर दिया व्लॉगिंग करना। तो जब भी हम धो के आते हैं, जिसमें हल्दी, नमक और जो गार्लिक का पेस्ट होता है उसको मिला के मैरिनेट करके फिर उसको अच्छे से फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच सरसों के बीज को अच्छे से पानी में डाल के भिगो दिया है, 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, लहसुन की कलियाँ लिया है और 2 टमाटर लिया है। तो सबका पेस्ट बनाऊँगी, सिर्फ मैं टमाटर का पेस्ट नहीं बनाती हूँ, टमाटर को मैं काट के ही डालती हूँ। तो फटाफट जल्दी से इन सबका पेस्ट बना लेती हूँ मैं। आज जो मेरा फ़िश है वो थोड़ा सा यम्मी एंड टेस्टी होने वाला है, क्योंकि आज मैं उसमें डालने वाली हूँ ग्रीन प्याज, जो हरा प्याज जिसको बोलते हैं ना आप लोग, वो डालने वाली हूँ मैं आज इसको। तो पहले मैं उसका अच्छे से साफ़ कर लूँगी, और जिसके जो जड़ होते हैं वो काट के निकाल दूँगी, और इसको अच्छे से वॉश करके इसको चॉप्ड कर लूँगी। टमाटर भी मैंने काट के रख लिया है। तो इसका कहाँ पर यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा,
वो आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अच्छे से वॉश करके इसको मैं आराम से बारीकी से काट लेती हूँ। तो एक चीज़ मैं और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है आराध्या मॉम्स किचन। तो उसमें जितने भी हमारे किचन से जो खाने बनते हैं, किचन से रिलेटेड जो वीडियो होंगी वो मैं उसमें शेयर करूंगी। तो नॉर्मली जो हमारा घर का खाना है और जो भी मेरे किचन में बनता है या बनेगा वो सारी वीडियो उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ गाइस जाके जल्दी से उस चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। तो आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़, बहुत अच्छे अच्छे खाने देखने को मिलेगा और टेस्ट करने को मिलेगा। जिस हरे प्याज की हम बात कर रहे थे कि इसको कब ऐड करना है, तो जब टमाटर और प्याज थोड़ा सा आपका अच्छा सा फ्राई हो जाए उसके बाद इसमें हम हरा प्याज डाल देंगे और तुरंत बाद हम डाल देंगे नमक, जिससे कि जो टमाटर प्याज तो ऑलरेडी गल गए हैं, जो प्याज बचा हुआ है वो भी अच्छे से पक जाएगा। और इसको 1 से 2 मिनट तक सिर्फ फ्राई करना है, क्योंकि जो प्याज पहले से ही बहुत सॉफ्ट होता है, जैसे ही नमक जाता है तो आराम से अपने आप गल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो कि किस फॉर्म में चेंज हो गया है ये। और अब बात करते हैं हमारे मसाले की। तो मैं इसमें ऐड करूंगी सरसों का पेस्ट जो बनाया था वो। तो सरसों को हम ज़्यादा पहले नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर ये ज़्यादा इसको फ्राई करेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो कड़वाहट में चेंज हो जाता है। तो इस वजह से जब प्याज टमाटर अच्छे से फ्राई हो जाता है तब हमें सरसों का पेस्ट डालना चाहिए। और अब मैं मसाले ले रही हूँ। तो मसाले में मैं ऐड कर रही हूँ मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, देगी मिर्च थोड़ा सा कलर के लिए, और धनिया पाउडर। इन सब को डाल के मैं जो हमारा मसाला है फिश के मसाले उसमें ऐड कर दूँगी। देख सकते हो जो हमारा मसाला है कितना डिलीशियस लग रहा है, कितना यमी लग रहा है देखने में। और जो मसाला है वो रेडी भी हो गया है बिल्कुल, क्योंकि साइड से देख रहे हो आप लोग तेल निकल रहा है। तो अब मैं इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, अगर मैंने ज़्यादा फ्राई किया तो ये बिल्कुल कड़वा हो जाएगा, क्योंकि इसमें सरसों ऐड किया है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी ग्रेवी के लिए पानी। हमेशा पानी अपने ग्रेवी के अकॉर्डिंग ही आप लोग भी ऐड करना, कि कितने लोगों के लिए बना रहे हैं और आप लोग किसके साथ इसको लेना पसंद करते हैं, चावल या रोटी। तो इसको अच्छे से डालने के बाद इसको मुझे अच्छे से उबालना है। जब ऐसा लगेगा ना कि हाँ जो हमारा पानी है बिल्कुल ग्रेवी रेडी हो गया है, बहुत अच्छे से बॉइल्ड हो गया है, क्योंकि उसमें उबाल आना स्टार्ट हो जाएगा और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये पक गया है, तब उसमें हमें डालना है फ़िश। कभी भी फ़िश डालने के बाद उसको मत पकाना, वरना सारे फ़िश जो है टूट जाएंगे। तो बस जो ग्रेवी है रेडी हो गया है और अब मैं इसमें जो हमारे फ़िश है वो डाल दूंगी। और इसके डालने के 1 मिनट बाद फिर मैं अपना गैस बंद कर दूंगी और उसके बाद इसमें ऐड कर दूंगी धनिया पत्ता। और उसके बाद भी अगर आप उसको ढकना चाहते हैं तो हाफ़ ढकना, ताकि जिसका भाप है वो निकल जाए, अदरवाइज़ जो हमारा फ़िश है वो टूट जाएगा। इस वजह से इसको ढकना नहीं है, हाफ़ ही कवर करना है, जिससे जिसका भाप है वो बाहर निकल जाएगा। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे कर रही हूँ एंड बहुत जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से नए ब्लॉग के साथ। होली आने वाला है तो होली से रिलेटेड वीडियोज़ आपको देखने को मिलेगी। तो बने रहिए हमारे चैनल पे और इसको लाइक कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय एवरीवन।